दो सांप आपको ऐसे दिखाऊंगा जिनसे आपको बचने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और साथियों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जाने दें, कैमरामैन दिखाएं सीन को शूट किया जाए। बहुत ही तेज और बहुत ही तेज रफ्तार मैंने आपको बता दी, ये बहुत बड़ी जानकारी है साथियों। अटैक रिलीज करते हैं हम, ठीक है, शाबाश। हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू वेट माय यूट्यूब चैनल सेवक स्नैक हेल्पलाइन। और साथियों मैंने आज ही एक कुएं से कई जीव निकाले थे, मतलब दो रेड स्नैक और एक सकपरिया और एक कुचलैड और दूसरा था क्या था, ब्लैक कोबरा, हाँ इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। और साथियों दो स्नैक मैंने, एक स्नैक सबसे पहले मैं आपको सबसे खतरनाक सांप ये और ये बाद में दिखाऊंगा, सबसे बड़े बड़े सांप दिखाऊंगा मैं आपको, सबसे पहले इंडियन रेड स्नैक। और साथियों हम जल्दी से ही इन्हें रिलीज करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आज मैं आपके सामने दो चार जीवों का वर्णन करूंगा बहुत बढ़िया अच्छे से, चार जीवों का वर्णन। साथियों इन्हें तो हम फटाफट से फटाफट के अंदाज में रिलीज करेंगे। ये देख सकते हो काफी काफी बड़े बड़े स्नैक हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम इन्हें रिलीज करेंगे प्राकृतिक परिवेश में क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो चलो जाने दें, कैमरामैन दिखाएं सीन को शूट किया जाए। बहुत ही तेज और बहुत ही तेज रफ्तार में निकल चुके हैं वो, चलो आ जाओ। अच्छा साथ ही मैं आपको एक सांप और दिखाऊं, चिकन लगा दो साथियों। ये सांप है ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नैक का बेबी, और ये जो कि मैंने अतरौली से पकड़ा था घंटा घर के नीचे से, आज इसे भी प्राकृतिक परिवेश में रिलीज करूंगा। और ये साथियों बिना जहर वाला सांप है, इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता। आइए कैमरामैन जाने दें, गया वो गया। चलो तो साथियों अब आती है सबसे ज्यादा रेयर और अफवाह उड़ाने वाली चीज की, जो कि एक बार काट ले तो शायद इसका इलाज भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। लो पकड़ो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अफवाह और बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास के चलते इन जीवों का, ये देखिए साथियों एक हो गई आपकी इंडियन मॉनिटर लिजर्ड और दूसरी हो गई साथियों आपकी दुमई, मतलब रेड सैंड वोआ। ये साथियों बिना जहर वाली है, ये इनमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता। ऐसा अंधविश्वास ना ही फैलाएं तो ही भी अच्छा है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का इनमें कैसा भी जहर नहीं होता। हाँ बैक्टीरिया जरूर पाए जाते हैं, वो किसी भी जीव के अंदर मिल सकते हैं, तो इसे भी हम प्राकृतिक प्रवेश में रिलीज करेंगे, जाने दें। ये मिथ्या साथियों आज तक आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको बता दी, ये बहुत बड़ी जानकारी है साथियों। अटैक 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 पुल किया है साथियों, देख सकते हो अटैक कर दिया, इस पर जरा सा मौका मिला इसने अटैक कर दिया। चलो इसे हम रिलीज करते हैं क्योंकि वो चला गया अपने, और इसे भी हम रिलीज करते हैं। इसकी दौड़ बहुत ही तेज है और पुराने समय में इसकी बातों का तो अंदाज ही अलग था, लेकिन हम इसे चलो रिलीज करते हैं, इसे भी चुप, इसे भी रिलीज करते हैं हम, ठीक है, शाबाश। बहुत ही तेज, सारे जानवर इधर ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। तो साथियों अब हम आपको दिखाएंगे, लाइए हमारी स्टिक दे दीजिए, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा वेयर। दो सांप आपको ऐसे दिखाऊंगा जिनसे आपको बचने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और साथियों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसी जानकारी आपको हर कोई नहीं देगा, ये मैं सत्यता के साथ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये सांप दिखाता हूँ, कोबरा स्नैक।
साथियों आपको कोई जानकारी देने वाला नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, करने के मूड में नहीं। और ये साथियों एक प्रकार से मौत है, और इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है साथियों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और इसमें न्यूरोटॉक्सिक के साथ साथ कभी कभी साइकोटॉक्सिक भी होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। और भैया साथियों ये सांप और ये सांप दोनों ही ज़्यादा भयंकर जहरीले हैं, क्योंकि ये सांप कॉमन करैत, इसमें न्यूरोटॉक्सिक ही पाया जाता है। और साथियों ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है सांप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अधिकतर मिलता है, ये रेयर नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा अधिकतर मिलता है साथियों। सांप देख सकते हो, और ये ज़्यादा छेड़खानी करने से कभी कभी शर्मा भी जाता है, तो उसे जाने देंगे, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा विक साइज का, चलो उसे जाने दो साथी। ये सांप से ज़्यादा, इन दोनों सांपों से ही आपको जाने ज़्यादा से ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सांप जो है आपको मौत की नींद सुला सकते हैं साथियों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। आइए इसे अभी हम रिलीज करते हैं, जैसे थोड़ा दूरी पर रिलीज करें क्या। कैमरा रख दो उसके आगे, कैमरा तो इसने अपने आप को छुड़ा लिया मुझसे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है। तो चला गया वो, कोशिश मैंने काफ़ी की कि रुक जाए, लेकिन ये भी चला गया। तो साथियों चलते हैं हम भी अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए प्लीज़ एक लाइक से और अधिकतम लोगों में जागरूकता फैलाइए साथियों, क्योंकि सांपों को बचाएं, हमारा पर्यावरण बचा रहेगा। सांप नहीं तो हम नहीं, आज जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। तो साथियों हम कहेंगे गर्व से वंदे मातरम।